जब से जो कर्स है उसने म्यूनिक को रिफ्लेक्ट किया अपने सिर्फ एक हाथ से और जो थोर है उसे ओवर पावरफुल किया है, तब से फैंस को ये लगता है कि जो वो हैवी हिटर्स लाइक हल्क और सुपरमैन को भी हरा सकता है। हल्क को छोड़े और अगर सुपरमैन से उसका कंपैरिजन करे तो कौन जीतेगा? तो देखो, अगर कर्स की बात करें तो वो मेलकिथ का गुलाम है, उसकी नॉर्मल बेसिक पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड एजिलिटी। पर जब वो कर्स स्टोन से जो अपने आप को पावर बूस्ट देता है तो उसकी ये सारी पावर्स कई गुना बढ़ जाती है और वो ईजिली जो एसगार्डियन आर्मी के सोल्जर्स हैं उन्हें भी मार देता है। पर इसके साथ साथ जितनी उसकी पावर्स बढ़ती है उसकी वीकनेस भी आती है कि अगर वो लाइफ फॉर्म एनर्जी को जो अंदर नहीं लेगा तो वो थोड़ी देर में ही कर्स स्टोन के कारण मर जाएगा। और इसीलिए जो काफ़ी ज़्यादा बंदों की लाइफ फॉर्म एनर्जी एक्वायर करता जा रहा था जैसे जैसे जो इसके रास्ते में आ रहे थे। पर अगर सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन के पास बहुत ज़्यादा वेराइटी काइंड की पावर्स है लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्स, लेजर, एक्सरे विजन, फ्रीज ब्रेथ एंड मैनी मोर। और इन सारी पावर्स की मदद से जो सुपरमैन है वो कर्स को ईजिली हरा सकता है क्योंकि इन दोनों की फाइट में जो कर्स है वो तो सुपरमैन की लाइफ ऑफ एनर्जी तो जो ऑक्यूपाई करने से रहा, और सुपरमैन विद द हेल्प ऑफ अपनी फ्लाइट और जो लेजर बीम है जो कर्स उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है विद इन द सेकेंड्स। और इन दोनों की फाइट का विनर भी सुपरमैन होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई और दिमाग में आइडिया हो तो कमेंट्स में बता।